हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फ्री बस मारुति की बुकिंग कैसे करें। रोज 10 बजे लगती है नीलकंठ द्वार पर लाइन फ्री बस मारुति की बुकिंग के लिए। और अभी टाइम की बात करें तो बज चुके हैं 10 और अभी फिलहाल मेरे को जाना पड़ेगा नीलकंठ द्वार पर लाइन में लगने के लिए बस मारुति के लिए। एक फॉर्म पे 5 जने की बुकिंग करवा सकते हो आप। तो अभी फिलहाल मेरे साथ 4 मुंबई से मेरे दोस्तों आए हैं। अभी फिलहाल वो होटल में रुकेंगे, तो मैं जाने वाला हूँ 5 की बुकिंग कराने के लिए। तो 5 का आधार कार्ड और 5 की कलर फोटो कॉपी लगेगी। और मैं पूरी रात भर लगने वाला हूँ लाइन में नीलकंठ द्वार पर। कॉरिडोर में मुझे बिठाएंगे, फिर उसके बाद सुबह 8 बजे काउंटर खुलेगा। काउंटर खुलने के बाद मुझे वहाँ से एक फॉर्म मिलेगा और 5 का मोबाइल नंबर, नाम, पता और राज्य लिखाएगा उस पर। फिर उसके बाद हमारे को भर के उसको है ना 12 बजे से पहले फोटो खींचा कर जमा करना पड़ेगा। और एक फॉर्म पर 5 जने जा सकते हैं बस मारुति के लिए। तो अभी चलते हैं लाइन में लगने के लिए नीलकंठ द्वार पर जल्दी। दोस्तों अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ बस मारुति के लिए फ्री बुकिंग करने के लिए महाकाल कॉरिडोर के अंदर। और अभी बजे रात के 2 और यहाँ पे जितने भी भैया लोग हैं वो आप सभी को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है अभी। जितने भक्त लोग हैं, सभी भक्त लोग, तो भैया बताइए सबसे पहले क्या कहना चाहते हो, कैसी व्यवस्था है उज्जैन महाकाल की? नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कॉरिडोर बहुत बढ़िया बनवाया इन्होंने, भक्तों की सुविधाएं जो है वो है बहुत अच्छी है। लेकिन जो दर्शन का इनका मैनेजमेंट है, दर्शन करण भस्म आरती का, ये मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरीके का जो इन्होंने प्रोसेस बनाया है कि पहले आप डॉक्यूमेंट लाइए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, एक दिन उसके लिए रहना पड़ेगा, फिर दूसरे दिन आपको वो रजिस्ट्रेशन अगर मिल जाता है तो लाइन लगाना पड़ेगा अगले दिन के लिए दर्शन के लिए। इस तरीके का व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं है, ऐसा मेरा नहीं, मैंने अभी तक जहाँ जहाँ गया है ऐसा कहीं नहीं देखा है। अगर दर्शन होना है, फाटक बंद हो गया पूरा एक रात, आदमी श्रद्धालु यहीं रहता है रात हो या दिन हो, फिर अगले दिन जब होता है खुलता है फिर आदमी दर्शन के लिए जाता है। ये मेरा अकेले का अनुभव नहीं, यहाँ पे तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले अंकल भी हैं, उनसे भी पूछिए। अंकल को रात से बैठे हुए हैं हम लोग। क्या लगता है आपको उज्जैन के बारे में? मैं यहाँ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने जीवन में 55 साल की उम्र में इतनी यात्राएं, इतने दर्शन करे हैं तीर्थ स्थानों के, लेकिन जो यहाँ का सिस्टम है वो बहुत बेतुक्का नजर आ रहा है, चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे। पूरी पूरी रात ये बैठे हुए हैं श्रद्धालु लोग, क्या ये उनको अच्छा लग रहा है या महादेव जी को अच्छा लग रहा है? अगर ऐसा सिस्टम बनाना ही है तो आप 100 आदमी 60 आदमी जिस तरीके से भी आप चाह रहे हैं उनको शुरू में टोकन दे करके और उनके उनका अपने स्थान पर रहने के लिए भेज दें। सुबह का टाइमिंग रख लिया जाए कि ठीक है सुबह अपना इस स्थान पर आकर के अपना स्लिप बनवा लें या कुछ भी जो भी सिस्टम रखना चाहते हो करें। लेकिन ये सिस्टम भूखे प्यासे सर्दी का टाइम है, कौन इनको देख रहा है, क्या चीज की व्यवस्था यहाँ की गई, कौन सी व्यवस्था है यहाँ पे जो देखा जाए कि ठीक है श्रद्धालु खुश होकर दर्शन करेंगे? मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और यही चाहता हूँ कि प्रशासन से, यही MP प्रशासन से दुआ करते हैं कि ठीक है इसके लिए कुछ सोचा जाए आगे के लिए, तो भक्त लोग शांति से दर्शन कर सकते हैं, इतना कहना चाहूंगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा क्या बोला अंकल जी ने और भैया ने, देख सकते हैं यहाँ पे अभी रात के 2-3 बज रहे हैं और यहाँ पे देखो सब लोग सो रहे हैं और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे बस मारुति की फ्री बुकिंग करने में। तो आप देख सकते हो बहुत 2-2 दिन का एक्स्ट्रा समय जाता है, ऐसी भीड़ भी नहीं है कि कंट्रोल ना हो, हर जगह भीड़ होती है, बनारस में होती है, बाबा धाम में होती है, बैद्यनाथ धाम में होती है, हर जगह, वहाँ आपका हरिद्वार है, ऋषिकेश है, नीलकंठ महादेव है, हर जगह भीड़ होती है। लेकिन इस तरीके का नहीं है कि 2 रात आप गुजारो तो आपको ऐसा होता है बस मारुति का दर्शन मिले। और उसमें तो आपको डॉक्यूमेंट कलर डॉक्यूमेंट का अलग से है, बुकिंग का सिस्टम भी नहीं है, रात भर यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। 10 घंटे आज दर्शन होने भी नहीं है, वो सोमवार को होंगे, आज रविवार लग चुका है और कल रात की भस्म आरती की बुकिंग होगी और 10 घंटे इंतजार करना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है कुछ, देख सकते हो हवा चल रही ठंडी ठंडी, सब सो रहे हैं यहाँ पे ठंड में, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। तो आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, और भी 2 लोग से पूछ लिया जाए ताकि लगे। हाँ तो भैया आप कहाँ से हो?
भाई मैं गाजियाबाद से हूँ उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है? बस जो भी ये सिस्टम है गलती चल रहा है यहाँ पे, गलत चल रहा है। हाँ जी बहुत। आपको क्या लगता है भाई आप कहाँ से? गलत है क्योंकि इतना रुक के कोई मीनिंग नहीं है, तो टोकन दिया जाए तो वो अच्छा है। पीछे अंकल से ले लो, दो तीन महिलाओं से ले लो, लेडीज लोगों से भी अच्छा। बस महाकाल है उनके दर्शन के लिए हम दो दिन भी लेके आएंगे, अच्छा छुट्टी लेके हम बैठेंगे लेकिन करके जाएंगे दर्शन, ऐसा तो मन बना के रखते हैं, तभी तो है यहाँ पे। सुबह हम सभी भक्तों को ले जाते हैं भारत माता मंदिर के पास में, वहाँ पे हमारे को लगना पड़ता है लाइन में। 8 बजे होता है भस्म आरती का काउंटर ओपन हो, फिर वहाँ पे हमारे को करना पड़ता है आधार कार्ड की फोटो कॉपी जमा। काउंटर पे से हमें मिलता है फॉर्म जमा करने के लिए, और जमा करने का टाइम है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। आपको वापस जाना पड़ता है भारत माता मंदिर के पास में फॉर्म को जमा करने के लिए। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भस्म आरती का फॉर्म जमा करने के लिए, जो रात को मैं यहाँ पर कम से कम 12 घंटे बैठा, उसके बाद मुझे ये फॉर्म मिला है सुबह 8 बजे। और मैंने आधार कार्ड किया था, और इसमें अपना नाम पता स्थानीय आधार कार्ड नंबर सब कुछ देना पड़ता है। फिर उसके बाद अभी 11 बज रहे हैं और मैं इसको जमा करने जा रहा हूँ। और मेरे को सोमवार की भस्म आरती के दर्शन होने वाले बाबा महाकाल के। मैं अकेला इसलिए जा रहा हूँ, एक फॉर्म पर 5 जने जा सकते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त थे सभी मुंबई और महाराष्ट्र के हैं, और मैं MP का हूँ अलग राज्य से, इस वजह से उनका कैंसिल हो गया और मेरा अकेले का हुआ है। तो अभी अकेला जब मैं जा रहा हूँ इस फॉर्म को जमा करने के लिए, तो कल करेंगे अपन बाबा महाकाल की भस्म आरती रात को 4 बजे, 2 घंटे की रहती है। इसके पहले मैं पुजारी कोटे से ऑनलाइन गया था दर्शन करने, इस बार मैं फ्री भस्म आरती की बुकिंग करी है मैंने। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, कल आपको मैंने पब्लिक से भी मिलवाया था, पब्लिक ने क्या बोला इतनी मुश्किल होती है, बहुत ठंड भी रहती है। इस जगह पर बैठे थे हम कल रात को सभी, तो कम से कम 80 जने थे, उसमें से 60 फॉर्म मिलते हैं, 300 जने जा सकते हैं अंदर ऑफलाइन। ऐसे करीबन पूरे 500 जने अंदर जाते हैं भस्म आरती में दर्शन करने के लिए। अभी जाते हैं अपन भारत माता मंदिर के पीछे और इसको जमा करते हैं भस्म आरती के पेपर को, और फिर देखते हैं क्या माहौल रहता है आज रात को। और सोमवार का दिन है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है, बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने को मेरे को मिल रही है। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ गेट नंबर 1 पर भारत माता मंदिर के पीछे, यहाँ पर होने वाला है ये फॉर्म जमा। तो क्या क्या रूल है भस्म आरती के वो सभी यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, तो आप पढ़ सकते हो आराम से, निःशुल्क भस्म आरती के नियम है ये सब। ये रहा फॉर्म, और अभी मैं जमा करने जाने वाला हूँ अंदर, तो वापस से अभी लाइन में लगना पड़ेगा मुझे। तो चलते हैं इसको जमा करते हैं, और आप भी आते हो तो अपने साथ 5 बंदों को दर्शन करा सकते हो, लेकिन सब आप एक ही राज्य के होना चाहिए, और अलग राज्य से हो तो दोनों MP UP के अलग अलग खड़े होना, अलग अलग फॉर्म देना और फिर जाना फॉर्म भरने के लिए। अभी देखो वापस इतनी लंबी लाइन में मुझे लगना पड़ेगा, सुबह भी लगा था मैं, मतलब कि 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं यार, सोया भी नहीं हूँ। फॉर्म भरो फिर आओ लाइन में, अभी चलते हैं जमा। A few moments later. तो दोस्तों अभी फिलहाल है ना आपको ऑफलाइन भस्म आरती की बुकिंग करना है आप सभी को, तो यहाँ पे नीलकंठ द्वार है, यहाँ पर आपको 9 से 10 बजे के बीच में यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह। तो कल रात को मैंने यहाँ पे लगा था, तो आज मेरा सोमवार का बुकिंग हुआ है भस्म आरती का, आप देख सकते हो ये मेरा बुकिंग हो चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ बाबा महाकाल की भस्म आरती में, अभी बजे 10। इस तरह यहाँ पे रोज लाइन लगती है, तो यहाँ से आपको ऑफलाइन बुकिंग के लिए लाइन में लगना पड़ता है 10 बजे, वो पूरी रात आपको अंदर कॉरिडोर में बैठना पड़ता है। और फिर उसके बाद आपको सुबह 8 बजे फॉर्म मिलता है, फिर 12 बजे आपको फोटो खिंचा के आपको ये परमिशन मिलती है भस्म आरती की, आपकी कंफर्म हो जाती है। तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भस्म आरती की लाइन में लगने के लिए, क्योंकि निःशुल्क भस्म आरती का जो फॉर्म भरा था कल रात को मैंने संडे के दिन, और आज है मंडे, तो मेरा कन्फर्म हो चुका है। तो अभी चलते हैं लाइन में, मैं 10 बजे का लाइन में लग चुका हूँ, क्योंकि मुझे आगे बैठना है और अच्छे से दर्शन करने महाकाल बाबा के भस्म आरती के, इसलिए। तो अभी फिलहाल मैं गया था चाय पीने के लिए। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली अपन ने एंट्री ले ली है, और यहाँ पे आप सभी को अपना ID देना पड़ता है, आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी चलेगा कलर, या आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। मैंने ऑफलाइन बुकिंग करी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे वही मानसरोवर 1 नंबर गेट के यहाँ पे चेकिंग होती है। फिर इसके पहले मैं ऑनलाइन गया था, दूसरी बार जा रहा हूँ मैं बाबा महाकाल की भस्म आरती में, और इस बार तो मैं नॉर्मल कपड़ों में जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने धोती सब कुछ बाबा महाकाल के रूप में महाकाल के दर्शन करे थे। यहाँ से मैंने बुकिंग करी थी सुबह 8 बजे, मुझे 15 घंटे हो चुके हैं संघर्ष करते करते, और फाइनली अपना एक गेट हो रहे, फिर उसके बाद अपन मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे।
दोस्तों मैं मंदिर में आ चुका हूँ और आप देख सकते हो अभी यहाँ पे फोन जमा होने वाला है अंदर हर बार की तरह। तो अभी अपन अपना फोन जमा कर देंगे अंदर, फिर चलते अंदर। परमिशन लेकर मैं आया था मंदिर के अंदर फोन लेकर, और यहाँ पे हम आपको बिठा देते हैं रात की 2 बजे से, लेकिन आरती होती है स्टार्ट 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। बाबा महाकाल की भस्म आरती चलती है और सभी बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के लिए सभी आगे बैठ जाते हैं आकर जल्दी। बाबा महाकाल की भस्म आरती खत्म होने के बाद नॉर्मल और वीआईपी सभी लोग मिलकर एक साथ दर्शन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले आगे जाके दर्शन कर लेना गर्भगृह के बिल्कुल सामने से महाकाल बाबा के, और महाकाल बाबा की भस्म आरती में जो महाकाल बाबा का श्रृंगार होता है वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन 6 बजे बाद महाकाल बाबा को नॉर्मल रूप में ला देते हैं जैसे पहले थे, बिल्कुल शिवलिंग के रूप में। महाकाल की भस्म आरती की भस्म से आप पंडित जी से मांग के टीका लगा सकते हैं, टीका लगा के आपको बहुत अच्छा लगेगा बाबा महाकाल की भस्म आरती की भस्म से। महाकाल के जिसने एक बार दर्शन कर लिया उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती ऐसा कहते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बस मारती करी है मैंने बाबा महाकाल की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब गया था जब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन अभी आरती करके आया हूँ तो एक अलग सा सुकून है, एक अलग सी एनर्जी मिली है मुझे आरती के बाद। तो आप भी करना एक बार बस मारती, लेकिन जिसको महाकाल बुलाते हैं वही जा पाता है मंदिर में बाबा महाकाल के। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उज्जैन के अंदर, आरती कर ली आज अपन ने। अभी अपन फिलहाल जा रहे हैं कॉरिडोर, घूम सकते हो आप 6 बजे के बाद कॉरिडोर ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा कॉरिडोर ओपन हो चुका है, धूप आ रही है हल्की हल्की, फ़ोटो शूट भी कर सकते हो। और आपको अभी तक समझ नहीं आया कि ऑफलाइन बुकिंग कैसे करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, सभी कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। और ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं उसका तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, आई बटन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। और ऑफलाइन बुकिंग कैसे करते हैं, ये रहा भारत माता मंदिर, यहाँ पे मिलता है फॉर्म, यहाँ पे आपको फॉर्म लेके जमा करना पड़ता है 12 बजे से पहले, और आपको रात को यहाँ पे कॉरिडोर में बैठना पड़ता है पूरी रात भर, जैसा कि आपको मैंने बताया वीडियो में। तो उसी तरह प्रोसेस है ऑफलाइन बुकिंग करने का, एक फॉर्म पे 5 जने जा सकते हो आपके साथ, सभी एक ही राज्य के होने चाहिए, बस अलग अलग राज्य के हो गए तो आपको 2 जने को लाइन में लगना पड़ेगा और दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, तो सभी आप बाबा महाकाल की भस्म आरती कर सकते हो। तो मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ, मैंने 2 बार बाबा महाकाल की भस्म आरती करी है, एक बार ऑफलाइन और एक बार ऑनलाइन। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।